अच्छा भाई, ये तुम एक फॉर लूप लिखते हो जो कि लेट से आई इज इक्वल टू जीरो से शुरू होता है, आई इज लेस देन और इक्वल टू, या इसको वन से शुरू कर देते हैं, एन तक जाता है और आई प्लस प्लस हो रहा है। और एक इसके अंदर एक और लूप है, जे इज इक्वल टू वन से शुरू होता है, जे इज लेस देन और इक्वल टू एन हुआ और यहाँ पे जे प्लस प्लस हो गया। ये एक प्रोग्राम है, ये हमारा प्रोग्राम है जिसकी हमने टोटल बाउंड निकाल ली। इस प्रोग्राम में देखो तो हमारे पास बहुत सारे तीन एक दो इंस्ट्रक्शन है और तीन चार अगर इधर भी होंगी। तो हमने इस प्रोग्राम की जब बाउंड निकालते हैं तो प्रोग्राम की बाउंड निकालने के लिए हमें हर इंस्ट्रक्शन की एक्चुअली बाउंड निकालनी पड़ेगी, वो कितनी कितनी दफ़ा चलती है। इस लूप को देखो तो ये कितनी दफ़ा चलता है, ये हमारा एग्जैक्टली एन दफ़ा चल रहा है। तो आई कैन से दिस इज ऑफ एन, ये वाली इंस्ट्रक्शन। इस इंटरनल लूप को देखो तो ये कितनी दफ़ा चल रहा है, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये लूप पहली दफ़ा जब इसके अंदर आता है तो एक दफ़ा चलता है, दूसरी दफ़ा जब इस लूप के अंदर आता है तो दो दफ़ा चलता है, सॉरी एन दफ़ा। तो पहली दफ़ा जब ये आता है तो ये एन दफ़ा चलता है, फिर जब दूसरी दफ़ा ये लूप के अंदर आता है तो ये एन दफ़ा। दूसरी दफ़ा ये क्यों आया, क्योंकि आई की वैल्यू फिर जब टू हो जाएगी और फिर दोबारा से एन दफ़ा चलेगा, फिर दोबारा से एन दफ़ा चलेगा और ये एन दफ़ा इसने इस लूप के अंदर आना है और हर दफ़ा एन दफ़ा चलना है। तो इस प्रोग्राम की टोटल जो कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, हमें पता है कि ये एन टाइम एन दफ़ा है तो ये एन स्क्वायर। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने ये देखा है कि इंटरनल लूप जो है वो कितनी दफ़ा चल रहा है, ठीक है। तो हर दफ़ा वो एन एन दफ़ा चलता है तो ये मैंने एन एन स्क्वायर कर दिया। एग्जैक्टली इसी तरह अगर मैं यहाँ पर इस एन की जगह अब मैं कर दूँ कि ये कम्प्लेक्सिटी मेरी आई है कि ये आई दफ़ा चल रहा है, अब क्या होगा। अब अगर तुम देखो तो इसने कैसे चलना है, जब पहली दफ़ा इसने लूप के अंदर आना है उसने एक दफ़ा चलना है, दूसरी दफ़ा जब लूप में आना है तो उसने दो दफ़ा चलना है, तीसरी दफ़ा जब लूप में आना है तो ये तीन दफ़ा चलना है, चौथी दफ़ा जब लूप में आना है तो ये चार दफ़ा चलना है, और इस तरह इसने आखिरी दफ़ा जब आई की वैल्यू एन होगी तो उसने एन दफ़ा चलना है। ये समेशन हमें पता है किसके बराबर होता है, ये तकरीबन ओ ऑफ एन स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। और हमने कैसे निकाला था कि हाफ इग्नोर कर दो और अगली हाफ जो है वो तकरीबन हर एक एन बाई टू के बराबर है तो वो एन बाई टू टाइम एन बाई टू हो जाएगा जो कि तकरीबन ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो हमने देखा था कि वन प्लस टू प्लस थ्री से लेकर एन तक जो है वो समेशन जो है वो तकरीबन इसके बराबर। बाय द वे एग्जैक्टली इसी तरह अगर मैं कहूँ कि ये एन स्क्वायर दफ़ा होता तो ये एन स्क्वायर होता तो ये इसी तरह कम्प्लेक्सिटी जो है वो एन स्क्वायर तक जाती और ये ओ ऑफ एन क्यूब हो जाता। और एग्जैक्टली इसी तरह अगर ये एन स्क्वायर की जगह अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ एन हो जाता तो अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ एन का मतलब है कि ये जो कम्प्लेक्सिटी होती थी वो अंडर रूट एन दफ़ा जाती थी और ये जो समेशन बन जाती वो किसी बराबर आ जाती और मैं आती ओ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन का होल स्क्वायर विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली ओ ऑफ। सो बाय द वे हम ये जब हम एन की बात करते हैं तो हम जब कम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो हम कहते हैं कि इंटरनल लूप है उसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी बनी है जी, अगर मैं इसको एन लूँ तो ये बनती है ओ ऑफ एन स्क्वायर प्लस जो ऊपर वाला है वो किसी वो लूप की भी तो कम्प्लेक्सिटी ऐड होनी है, क्योंकि पूरे प्रोग्राम में कम्प्लेक्सिटी निकाल रही है तो हर इंस्ट्रक्शन की कम्प्लेक्सिटीज ऐड हो जाएंगी, ठीक है। प्लस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक और इंस्ट्रक्शन होती सी आउट लेट्स से हेलो और समथिंग लाइक दैट, तो ये कितनी दफ़ा चलता जी, ये वन दफ़ा चलता, लेकिन ये हमारे ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी जो उस प्रोग्राम की होती है वो बाउंडेड होती है बाय द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द प्रोग्राम जो किसकी बराबर होती है वो ओ ऑफ एन स्क्वायर। तो हमारे पूरे प्रोग्राम की जो कम्प्लेक्सिटी हो रही है वो ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी। तो आप पूरे प्रोग्राम में बहुत इंस्ट्रक्शन निकालते हैं कि वो कोई कौन सी इंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा दफ़ा चलनी है और उस इंस्ट्रक्शन की बाउंड से आप पूरे प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी को बाउंड कर देते हैं। और वो ऐसे नहीं है कि आपने पिछले चार लूप लिखे तो उन चारों लूप को आपने मल्टीप्लाई कर दिया और आपका आंसर आ गया, ऐसा नहीं है। आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि वो किस तरह से आप समेशन निकाल रहे हैं, किस तरह से एक्सप्रेशन बन रहा है और वो एक्सप्रेशन का सम किसके बराबर होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जी अगर मैं इसी को प्लस ये प्लस प्लस हो रहा है इसकी जगह मल्टीप्लाई इक्वल टू टू कर दें, ठीक है। अब अगर आप इसको देखते हैं जी आप क्या होता है, तो अब अगर तुम देखो तो यही हमें पता है कि सबसे ज़्यादा इसी इंस्ट्रक्शन है जिसने चलना है, तो अब इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या बनती है। ये पहली दफ़ा जब आई की वैल्यू यहाँ पर आई की टेबल चल रहा है और यहाँ मैं देख रहा हूँ ये लूप इंटरनल लूप चलता कितनी दफ़ा, जब आई की वैल्यू वन होती है तो ये वन दफ़ा चलता है, जब आई की वैल्यू टू होती है तो ये टू टाइम चलता है, और फिर आई की वैल्यू फोर हो जाती है, जब फोर होती है तो ये फोर दफ़ा चलता है, और जब ये एट हो जाएगी तो ये एट दफ़ा चलेगा, और इसी तरह डॉट डॉट डॉट
जब ये एंड में एन हो जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी, इसने कितनी दफा चलना है जी, इसने भी एन दफा चलना है, ठीक है। बाय द वे ये मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स होते जा रहे हैं। अगर तुम देखो तो ये समेशन बन जाती है 1 + 2, इसको मैंने सम करना है ना, ये इस लूप की इंटरनल चीज़ें चल रही हैं। तो 1 + 2 + 4 + 8 + 10, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, और ज्योमेट्रिक सीरीज में हमें पता है कि वो किसके बराबर होती है, वो होती है जो आखिरी मेरी टर्म आई थी उसके ट्वाइस से एक कम। और इसको तुम देखो तो ये कितना बनता है, ये ऑफ एन ही बनता है, ये कॉन्स्टेंट को हम वैसे ही इग्नोर करते हैं, ठीक है। बाय द वे इसी को मैं थोड़ा सा और बदलता हूँ, जहाँ मैंने ये प्लस प्लस लिखा हुआ है, व्हाट इफ कि मैं इसकी जगह प्लस प्लस की जगह मैं कर दूँ लेट्स से मल्टीप्लाई इक्वल टू टू, अब क्या हुआ, चलिए दोबारा देखते हैं। अब कम्प्लेक्सिटी मेरी कैसे तरह चेंज होगी, अब कम्प्लेक्सिटी को तुम देखो तो मेरी आई की वैल्यू, आई की वैल्यू जब 1 होती है तो ये एक दफा चलता है, जब आई की वैल्यू 2 होती है तो ये भी 1 होगा, फिर मल्टीप्लाई करो 2 होगा तो 2 दफा होगा, तो ये भी 2 दफा चलेगा, ठीक है। फिर जब उसकी वैल्यू 4 हो जाती है तो ये 4 दफा नहीं चलता, अगली दफा ये मल्टीप्लाई होती जा रही है तो इसने कितनी दफा चलना है जी, 3 दफा चलना है। और जब इसने 4 जब इसने 8 हो जाना है तो इतनी कितनी दफा चलना है, 4 दफा चलना है। इसी तरह जब इसने 16 हो जाना है तो इसने 5 दफा चलना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसने जाते जाते एन तक जाना है, तो ये जो एडिशन है ये कहाँ तक जाएगी जी, बताओ क्या कितना जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ एन टाइम, स्क्वायर रूट ऑफ एन तक, ये नीचे वाली ये कितनी टर्म है टोटल, दोनों के फैक्टर से बढ़ती जा रही है ना, तो दोनों के फैक्टर से बढ़ती जा रही है, इसमें टोटल टर्म कितनी हुई, टोटल लॉग एन टू टर्म, दो तक मिनट, तो ये जो लूप है ये कहाँ तक जाएगा, ये लॉग बेस 2 एन तक जाएगा, ठीक है। अब ये भी बिल्कुल वही अरिथमेटिक सीरीज है, लेकिन कहाँ तक जा रही है, log बेस 2 एन तक जा रही है, ठीक है। तो जो आउटर लूप है वो कितनी दफा चल रहा है, वो log बेस 2 एन दफा चल रहा है, और जो ये इंटरनल लूप है वो कितनी दफा चल रहा है, वो चल रहा है 1 से लेकर log 2 एन तक, जब हम कर लो तो जहाँ पहले n करते थे तो n n वहाँ पर log बेस 2 एन आ रहा है, तो n ऑफ n स्क्वायर होता था, तो ये कितना हो जाएगा, ये ओ ऑफ log बेस 2 एन का होल स्क्वायर, ओके। तो ऊपर वाला लूप चल रहा है log बेस 2 एन दफा, और इंटरनल लूप चल रहा है ये ओवरऑल इतना बजा, तो ये नहीं कि मैं अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये एक्चुअली जो कम्प्लेक्सिटी निकली है मैंने टोटल पहले निकाल ली हुई है, तो टोटल मेरी कम्प्लेक्सिटी जो होगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी ओ ऑफ log बेस 2 एन, जो कि ये था, ठीक है, प्लस ओ ऑफ log बेस 2 एन होल स्क्वायर। अब ये बड़ी टर्म है, ये बड़ी टर्म, ये वाली बड़ी टर्म, ये बड़ी, सो जो ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ओ ऑफ log बेस 2 एन का होल स्क्वायर, दिस इज माय कम्प्लेक्सिटी, इस तरह निकालते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि भाई आपने इंटरनल लूप की टोटल कम्प्लेक्सिटी निकाली है, उसकी समेशन की पूरी वो बनाए, और फिर उसे ड्राइव करें कि वो कितनी होती है। थैंक यू।